मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कल पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर राज्य में नक्सल उन्मूलन अभियान की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है। नक्सलियों के विरुद्ध हमारे पुलिस जवान मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से जल्द ही नक्सलवाद का खात्मा होगा। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 14 जवान घायल हुए, जिसमें से जो ज़्यादा इंजर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा, उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे, उनसे मुलाकात किए। हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं, कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। गौरतलब है कि सुकमा जिले के जगरगुंडा थाना क्षेत्र के टेकलगुड़े में 30 जनवरी को नक्सल मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए थे, वहीं 15 जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जगदलपुर पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी और वहां के हालातों का जायजा लिया।